काली जुल्फों के अंगियों लाल अरे सुंदर है रे ऐ हुस्न लाल हो काली काली जुल्फों के अंगियों लाल हम सब बैठे होते वहां ये सुना लगाया जाता है ओए हेलो व्यूअर अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और उम्मीद करूँ आप सब खैरियत होंगे। आज हमारा प्रोग्राम बनने हम चले हैं जी लोक विरासत जो इस्लामाबाद में मेला लगा हुआ आज जिसका लास्ट डे है तो मैंने कहा यार चलो जाके खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं तो चलो फिर चलते हैं जी मेले की तरफ रवाना होते हैं मैं आकाश और कुर्बान आगे तैयब भाई हमारा वेट कर रहे हैं तो चलो फिर चलते हैं तैयब भाई के पास और मेले को इंजॉय करते हैं। ये है जी लोक विरासत का मेन गेट जो नंबर वन गेट है क्योंकि हमें तो तैयब भाई से रब्ता हुआ था तैयब भाई कहे थे नंबर थ्री वाले गेट पे आ जाएँ इसलिए हमें तो आगे जाना है लेकिन अगर आपका आना हो तो ये नंबर वन गेट है जी। चलो जी तैयब भाई ने कहा गेट नंबर थ्री पे आना है तो चले तैयब भाई को ढूंढते हैं साल पे रब्ता करें गेट नंबर थ्री भी आगे आ रहा जी ये म्यूजिक फेस्टिवल अंदर जा रही है तो आगे अंदर जाते हैं अंदर जाने के बाद ना फिर कुछ मानी क्या हो गया मान के नहीं काफी हालत जो है टाइट हो गई मानी क्या हो तभी देर चला नहीं नहीं ये ठाता यार मानी दिलेर बंदा ये नहीं कहता सारे जो मानी जी गेट नंबर थ्री भी आ गया तो ये भाई को ढूंढते हैं वो रहे जी तो ये भाई वो खड़े हैं जी चलो जी गुड हो गया। अस्सलाम वालेकुम तो ये भाई कैसे है ठीक है क्या नहीं ताजी है फिटो क्या आपको बड़ा को शुगल मेला बड़ा को नजाम है चलो जी चलते हैं जी चलो 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 मेरे भाई आप उससे लड़ाई करेंगे चलो जी 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 बलोची कहावत है ये चेक करें जी माशाल्लाह ये चेक लोची सकाफत चेक करें जी अपना अपना कल्चर है अपने अपने रिवाज है अपने अपने लिबास हैं बहुत खूबसूरत लिबास पहने थे और कल्चर इनका भी बहुत प्यारा था तो इन्जॉय करें इसको। से आगे हैं तो काफ़ी तरह के स्टॉल लगे हुए हैं जी ये चेक करेंगे काफ़ी कीमती पत्थरों की तस्वीरें बनी थी रिंग बनी हुई थी और इसके अलावा नग वगैरह थे और माशाल्लाह काफ़ी कस्टमर भी उनके पास खड़े हुए थे जो यहाँ से मैचिंग करके अपने साथ साथ चीज़ें परचेज भी कर रहे थे तो बड़े खूबसूरत और नयाब किस्म के इनके पास पत्थर थे। ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे स्टॉल लगे हुए थे यहाँ पर काफ़ी तरह की चीज़ें थी बच्चों की बड़ों की ये देखें अपनी सकाफत के हिसाब से भी थी बैग बने थे एंड में बैग वगैरह थे और इसके अलावा काफ़ी पिचों की चीज़ें भी थी एक खिलौने वगैरह ये इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पे म्यूज़िक का भी बंदोबस्त था अपनी अपनी ज़बान और सकाफत के हिसाब से सॉन्ग गाई जा रही थी काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे थे इनको आप ही इंजॉय करें। माशाल्लाह से काफ़ी लाइटिंग वगैरह का बंदोबस्त किया हुआ था जिसकी वजह से शाम के वक्त भी इवेंट में लोग सही भरपूर इंजॉय कर रहे थे और ये देखेंगे हर तरह की सकाफत हर तरह के कपड़े
ये हैंडमेड कपड़े हैं जी, हैंडमेड जैकेटें वगैरह बनी हुई हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इंजॉय करें इनको, देखें। इसके अलावा जी ये चेक करें, ये चाइनीज स्टार लगा हुआ था, ये मुझे तो नहीं पता क्या चीज़ है, क्या पका के दे रहे हैं, पर आपको पता हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जी पाकिस्तानी फूड, यहाँ पर आपको हर तरह का फूड मिल जाएगा यहाँ से। हैंड मेड कपड़ों की तो अपनी ही बहारें थी, पर असल रंग जो है ना, यहाँ पे एक बैठे हुए जी बांसुरी वाले भाई, इन्होंने इस मेले में ऐसा रंग भर दिया, और इनकी बांसुरी सुने और इन्जॉय करें। बांसुरी वाले भाई ने, इसके अलावा यहाँ भी चेक करें, सीपियों से बने हुए डेकोरेशन पीस वगैरह और नाम वगैरह लिखे हुए सीपियों से, बहुत खूबसूरत और प्यारे हैं। इसके अलावा ये चेक करें यार, ये जो पेंटिंग बनी हुई है, कमाल की यार, कमाल का फन इन लोगों का यार, इसको देखें और इन्जॉय करें यार, माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत पेंटिंग है जी, अल्लाह के नाम वगैरह लिखे हुए हैं और कुरानी आयत वगैरह लिखी हुई है। इसके अलावा जी मुझे तो सबसे अच्छा लगा, यहाँ पे एक भाई बैठे हुए थे जी, वो खुद वहाँ पे बैठ के पेंटिंग बना रहे थे, और क्या फन था जी भाई का, ये चेक करें कितनी खूबसूरत ये पेंटिंग बना रहे हैं। माशाल्लाह कितने खूबसूरत और कितने प्यारे बर्तन हैं, ये चेक करें जी। माशाल्लाह ये पेंटिंग क्या करें, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, ज़बरदस्त, ये चेक करें क्या कमाल है। और इसके अलावा जी ये हमें बाबा जी मिले जी, बहुत प्यारे बाबा जी थे, जिस तरह की मुशाबत हमारे बाबा कैद के साथ मिलती जुलती थी, और हर बच्चों को रोक रोक के प्यार कर रहे, दिलासे दे रहे थे, क्या ये अजीम इंसान है, बाबा जी को सलाम है जी, बहुत अच्छे बाबा जी हैं जी। आगे आने पर जी फिर आपको फूड का वो सिस्टम मिल जाएगा, यहाँ भी एक बात तो गारंटी है, आप भूखे नहीं मर सकते। ये सरसों का साग, मक्के की रोटी, 500 में 2 रोटियाँ और सरसों का साग आपको मिलेगा जी, गोल गप्पे वगैरह, और जो आपका दिल चाहे खाने के लिए तकरीबन हर तरह की आपको यहाँ पे आइटम मिलेगी। और काफ़ी अच्छा फेस्टिवल लगा हुआ था, ये चक्री लकड़ी वगैरह के बर्तन बने हुए, ये लकड़ी की महारत है जी, ये चक्रे कितने फनकार बंदे जो इतनी मेहनत करके लकड़ी से ये चीज़ें बनाते हैं। ये है जी, ये वो गुड्डी गुड़ियों का खेल जो हमारे बचपन में होता था, अभी तो ये ख़त्म हो गया, क्योंकि ये हैं हाथ से बनी हुई जी, कोई मशीन का कमाल नहीं है, ये अपनी महारत से अपनी मेहनत से बनाई है इन्होंने, ये चक्रे कितनी खूबसूरत, और इनको देख कर आपको भी बचपन की याद ज़रूर आ गई होगी, ख़ासकर जो हमारी लेडीज़ हैं उनको तो ज़रूर आई होगी। और इसके अलावा ये आगे पाएंगे आप, ये बर्तन दी यूनिक किस्म के लकड़ी के बर्तन बने हैं जी, कितने खूबसूरत, और लेडीज़ का क्या कहते हैं कि जी कपड़े वगैरह हैंडमेड में कढ़ाई हुई, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी, ये अपने अपने इलाके की सकाफत के हिसाब से यहाँ पर बहुत ज़रा आपको मिलेगी, और खुशे वगैरह। और इसके अलावा ये जी मिट्टी के बर्तन वगैरह बने हुए हैं जी, बल्कि डेकोरेशन बनी हुई है जी मिट्टी के बर्तन और चूना वगैरह को मिक्स करके। इसके अलावा ये पत्थर के बने हुए बर्तन वगैरह, ये सारे कदीमा का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ था, कोई बंदा दिलचस्पी ले वो भी यहाँ से मिल सकता है। इसके अलावा ये बहुत मज़े की चीज़ ये देखिए, कितने प्यारे कप हैं, इनमें बहुत सी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई हैं, काफ़ी मजाकिया और शुभ बातें लिखी हुई हैं,
और यहाँ पे काफ़ी भाई के पास और भी सामान था। और इसके अलावा आप आगे आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरा पंजाब का जो हमारा कल्चर है, माहौल है, वो आपको नज़र आएगा। ज़रा ये चेकें चौधरी साहब बैठे हैं और साथ इनकी वो चौधरानी भी बैठी है और साथ ये चरपाई रख के ना पूरा माहौल बनाया गया है। इसके अलावा जी लाइव म्यूज़िक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जी, ये देखिए छोटा सा बच्चा गा रहा है, इन्जॉय करें आपको, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे जिन्होंने कौन सा बनाया हुआ है, डेकोरेशन सा बनाया हुआ है जो पंजाबी कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चे भी खेल रहे हैं, वही चेक कर रहे हैं। और इसके अलावा ये है जी मेरे हाल में कपड़ा बुनने वाली जो मशीन थी, जो देसी लोग घर में बुनते हैं, खड्डी कहते हैं क्या कहते हैं इसको, मुझे इसका नहीं कर पता, आपको बताओ तो कमेंट करना ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा ये लाल टेन जो हमारे ज़माने में तो होती थी, हमने तो देखी है, लेकिन जो आने वाली ये नस्लें हैं इनको लिए ये एक फर्स्ट डेकोरेशन पीस या सारे कदीमा रह गया है लालटेन, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये बहुत प्यारी प्यारी बातें लिखी थी शुगरी की, सभी बहुत माना था जिन पर कोई मार बेमान निकले, काफ़ी लगे रहो गुड्डू, और काफ़ी फनी फनी बातें लिखी हैं जो काफ़ी पढ़ने के बाद बंदा हंसता मुस्कराता है। और इसके बाद ये कैलाश फेस्टिवल, क्योंकि अभी रात हो चुकी थी यहाँ पे, वैसे तो बंदे खड़े होते हैं लेकिन इस वक्त नहीं थे। और ये फन चेक करें जी भाई का, कितनी खूबसूरत किस्म की तस्वीरें लोहे करानी वगैरह बनाई हुई है। इनके अलावा यहाँ पे मौजूद हैं ये पीतल के बर्तन हैं जो काफ़ी खूबसूरत और डेकोरेशन पीस की तरह, यानी बहुत ही खूबसूरत है। और तांबे वगैरह के बर्तन भी हैं, ये जो ये बर्तन हैं ये पहले ज़माने में यूज़ हुआ करते थे बादशाहों के ज़माने में, या से 100 साल 200 साल 300 साल पहले। तो इसके अलावा ये चेक करें जी, कुरेशी से बना हुआ सामान है जो हमारे पाकिस्तान की सकाफत है जी। ये चेक करें, यहाँ पे लेडीज़ बैठी हैं यही सेल कर रही हैं। और ये चेक करें जी किस्सा खानी बाज़ार जी, वाह जी भाई पूरा माहौल इन्होंने बनाया हुआ है, बैठने की जगह बनाई हुई है, चाय बना रहे हैं यहाँ पे, फैमिली बैठी पी रही हैं, और बहुत अच्छा माहौल भाई ने बनाया हुआ है किस्सा खानी बाज़ार का। ये पाकिस्तानी हीरो हैं जी जिनकी ये सिंदरियाँ वगैरह बनी हुई हैं, चेक करें कायदे आज़म मोहम्मद जिन्हें AK खान है। और इसके अलावा भी ये 3-4 और बनी हुई हैं जो कि पाकिस्तान के हीरो हैं। इसके अलावा यहाँ पे जी पत्थरों पे नाम लिखा जा रहा था, और यहाँ पे एक एंटी बैठ के जी कुरेशिया बुन रही थी। और ये देखें जी बैग और ये काफ़ी सारा सामान जो यहाँ पे एंटी बैठ के बनाते हैं, स्वेटरें वगैरह और बच्चों का सामान, और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे थे। और आगे जाएँ जी यहाँ पर सकाफत है जी, ये जी बलोची, और ये चेक करें जी सिंधी सकाफत आ गई जी माशाल्लाह, ये चेक करें जी हैदराबादी चूड़ियाँ, ये भाई बैठे हुए हैदराबाद से आए हैं, तो कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत चूड़ियाँ हैं जी। और इसके अलावा यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पे जी सिंध का अचार है जी, जो कि मेरा तो बड़ा फेवरेट है, तो मैंने कहा जी तैयब भाई से, तैयब भाई वो एक हाथ ले लेते हैं, तैयब भाई ने कहा जी ठीक है जी, हमने फिर यहाँ से एक अचार ले लिया जी, तैयब भाई ने कुछ ना कुछ ले लिया जी। इसके अलावा ये चेक करें जी यहाँ पे एंटी बैठी थी जो चरखा क्या कहते हैं चरखा को बुन रही थी, और ये बंदा आया था उनसे यहाँ पे सामान ले रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ बन रही साथ साथ बिक भी रही है, यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि आपके सामने चीज़ें बनेंगी और आप पसंद करके आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये मिट्टी के बर्तन चेक करें, क्या खूबसूरती है यार, बनाने वाले ने भी कमाल करी, ये चेक करें कितने खूबसूरत जानवर बने हुए, मछली वगैरह और बर्तनों की खूबसूरती चेक करें जी माशाल्लाह। नहीं यार ये सिंध के जो फनकार हैं उनको माल करते हैं, इन्जॉय करें जी इनका रक्स और साथ वगैरह इन्जॉय करें, बहुत मज़ा है, मुझे तो आप भी इन्जॉय करें इनको।
अम्मा जी ने दोबारा चरखा बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आपको भी दिखाएं कि किस तरह ये चरखा बनता है और किस तरह रुई से ये धागा बनता है। ये स्पेशल किस्म का धागा बन रहा है जी, चेक करें क्या महारत है ये अम्मा के हाथ में। माहौल बांध दिया। इसके अलावा यहाँ पर भी फेस्टिवल जारी था, ये भी सुनें और इन्जॉय करें। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची को मिट्टी के बर्तन बनाने का तरीका बताया जा रहा था, क्योंकि जो आजकल के ज़माने में एक यूनिक सी चीज़ रह गई, क्योंकि मशीनों का दौर है और ज़्यादातर दांत वाले बर्तन यूज़ होते हैं, मिट्टी वाले बर्तन भी बहुत कम है। तो बच्चों को काफ़ी दिलचस्पी के लिए यहाँ पर बनाना सिखा रहे थे कि इनको भी पता चले मिट्टी के बर्तन भी कोई चीज़ होती है। तो ये चेक करें, छोटी सी बच्ची ने एक बर्तन बनाया। इसके अलावा ये चेक करें जी, देसी माहौल पूरा, ये पुराने वक्तों का इन्होंने इंतजाम बनाया जी, कच्ची जगह बनाई है। और ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत ये सुजुकी बनी है, टोटली मोतियों से बनी हुई है जी, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा ये चेक करें टेबल वगैरह जी, और इन पर जो कशीदाकारी की हुई है जी, जो इनका कलर मैचिंग और इन पर डिज़ाइन बड़ा बहुत खूबसूरत है जी। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है जी चकसदा के प्योर लेदर के शूज़, यहाँ पे ये जी जूते और ये खेड़ी हैं जी। मैंने मुझे तो जूते बहुत पसंद आए, और इसके अलावा खेड़ी में आपको चेक करता हूँ, ये चेक लिए वाले जूते लिए मैंने। भाई जान लेदर ना हुआ तो आप इस एड्रेस पे वापस भेज सकते हैं। ठीक होगा जी, गुड होगा जी, बहुत अच्छे जी, हाथ भी लगा के पता चल रहा है जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाते हुए, तो आपका एक लाइक भी हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट इसी व्लॉग में, तब तक के मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।